सहरघाट पुराना थाना भवन के पास बने दुर्गा मंदिर में शारदीय नवरात्र शुरू हो चुका है। प्रतिवर्ष इस पूजा में भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु यहां आकर विधिवत पूजा अर्चना करते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त कर मनोवांछित मनोकामनाएं प्राप्त करते हैं, जिससे यहां पूरे दशहरा तक भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। बता दें कि यहां भक्तों की भीड़ लगने के साथ ही रोचक पहलू यह है कि नित्य प्रति सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष शाम की आरती में भाग लेते देखे जा रहे हैं और यहां की मां वैष्णवी बलि प्रदान होने की प्रथा यहां नहीं रहती है, जो माता वैष्णो की यादें सहज ही ताजा कर देती है। बता दें कि यहां भक्तों की भारी भीड़ के साथ ही रोचक पहलू यह है कि नित्य प्रति सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष शाम की आरती में न केवल भाग ही लेते हैं बल्कि आरती के दौरान ये झूम झूम कर माँ की आरती भी करते हैं। यूं तो कई लोगों को मां की आरती में भाग लेने का मौका ही नहीं मिल पाता, पर संध्याकालीन आरती के दौरान अधिकांश लोग अपनी सभी आवश्यक काम छोड़कर महाआरती में भाग लेना जरूरी समझते हैं। इस मंदिर के पुजारी पंडित सुबोध मिश्र ने बताया कि इस तरह यहां सब दिन संध्या के समय श्रद्धालु नाच नाच कर माँ की आरती में भाग लेते देखे जा रहे हैं और यहाँ की माँ वैष्णवी है, बलि प्रदान होने की प्रथा यहाँ नहीं हो रही, जो माता वैष्णो देवी की यादें सहज ताजा कर देती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दुर्गा मंदिर की स्थापना 18 मार्च 1987 में सहरघाट के तात्कालिक थाना अध्यक्ष एसएन राय के नेतृत्व में जन सहयोग के माध्यम से करवाया गया था। तब से अब तक यहां थाना अध्यक्ष की अध्यक्षता में विधिवत पूजा अर्चना होती रही है व हजारों लोग माता दुर्गा से मनोवांछित वर पाकर अपना जीवन धन्य कर चुके हैं। पुजारी श्री मिश्र ने यह भी बताया कि दुर्गा पूजा के लिए बनाई गई स्थायी समिति के पदेन अध्यक्ष सहरघाट थाना अध्यक्ष होते हैं। वहीं दूसरी तरफ शारदीय नवरात्र के प्रारंभ होते ही सहरघाट बाजार के आसपास उत्सवी माहौल बन चुका है। साथ ही युवा वर्ग के युवाओं से आपसी मतभेद छोड़कर भाईचारा और एकता का परिचय देकर पूजा आयोजन में सहयोग करने का भी अपील किया गया है। इलाके में जय माता दी के नारे से वातावरण गुंजयमान बना हुआ है। कई लोग बताते हैं कि यहां हर मनोकामनाएं पूरी होती है माँ के दरबार में आने से, बस सच्चे दिल से माँ से मांगने की जरूरत है। आज तक इस दरबार से कोई भी भक्त खाली हाथ लौटा नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले मिट्टी का प्रतिमा बनता था 1988 में, थाना प्रभारी आए एसएन राय, वो जन सहयोग से मंदिर को बनवाए और तब से इस मंदिर में पूजा हो रहा है। वैसे पूजा तो बहुत पुराने जमाने से हो रहा है यहाँ पर। कितने ईस्वी से हो रहा है? लगभग 1988 से। 1988 से इस मंदिर में हो रहा है। ये जो पूजा का आयोजन यहाँ हो रहा है हर साल, वो किसी व्यक्तिगत रूप से किया जा रहा है या सभी के जन सहयोग बाजार से गांव जहाँ सबके सहयोग से पूजा, सबके सहयोग से, किसी निजी आदमी के? यहाँ के जो समिति है युवा, जो युवा वर्ग के लोग यहाँ पे ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भगवती उन लोगों को एकदम और जैसे इतना सद्बुद्धि दे कि इससे भी ज़्यादा आयोजन करके मैया का आराधना करे और मैया उन लोगों को शांति बनाए रखे, धन वित्त संपत्ति सब कुछ दे, सद्बुद्धि दे, आनंद से रहे। यहाँ का जो संध्या आरती होता है बहुत ही भयावह होता है, इसमें लगभग कितने श्रद्धालु जो है भाग लेते हैं? लगभग 4-5 हज़ार आदमी संध्या में आते हैं रोजाना। 3 बोरा 25 किलो वाला मुकुंदाना थोड़ा थोड़ा देते हैं तब पुरता है। आप समझिए कितना आदमी आता है रोजाना, रोजाना संध्या में, और खूब झूम के आरती होता है संध्या। इस बार के आयोजन में क्या क्या कार्यक्रम रखा गया है? कार्यक्रम के संबंध में हम लोग तो समिति बताएंगे, नाच गान या सांस्कृतिक कार्यक्रम, मंदिर का जो पूजा हो रहा है वैसे ही होते रहेगा सब। आपका परिचय? मेरा परिचय है, जो मेरा घर यहीं पर है, मेरा नाम है सुबोध मिश्रा, जो यहाँ बाजार पर पूजा कराते रहे थे। हम भी जब से ज्ञान हुआ तब से ही मैया का आराधना में लगे हुए हैं 1988 से इस मंदिर में। मंदिर का देख रेख काफी करते हैं सालों भर, लेकिन मैया के काम में आके सब आदमी एक समान भक्त बन के, जुआ बन के नहीं, भक्त मैया का भक्त बन के सब आदमी आपस में मेल जोल रख के और मैया का आराधना करें। मतभेद यहाँ नहीं, यहाँ मैया का दरबार है, जो आ गया चाहे वो जिस प्रकार का आदमी हो सबको एक समान समा करके और यहाँ का व्यवस्था बनाए रखे और यहाँ के सब कुछ देख रेख करे, यही काम। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।